दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लाइव प्रूफ के साथ एफिलिएट मार्केटिंग प्लस ब्लॉगिंग की बात करने वाले हैं। मैं बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। कैसे? देखो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स लाइक क्लिकबैंक के प्रोडक्ट्स, जीस्टोर 24 के प्रोडक्ट्स ब्लॉगिंग के थ्रू सेल करते हो तो आपकी लाइक ब्लॉगिंग से सेल भी जल्दी आती है और गूगल एडसेंस से अप्रूवल भी मिल जाता है। देन हमारी अर्निंग एक जगह से नहीं होती है, हमारी अर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग से तो होती ही है, ब्लॉगिंग से भी होती है, गूगल एडसेंस से भी होती है। तो मैं आज की वीडियो बताऊंगा कैसे आपको एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लाना है लाइव प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार प्रूफ दिखा दूं, देन हम बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि लाइक अगर आप इस जो मेथड बताऊं उनको फॉलो करते हैं डेली, आप इजिली सक्सेस पा सकते हैं ब्लॉगिंग में। क्योंकि हम लोग भी लाइक ब्लॉगिंग जिस टाइप से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उस टाइप से करते हैं, वही सीक्रेट टिप आपको यहां पे देने वाला हूं। सो पहले मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं मोबाइल की, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है एंड देन अब मैं बताता हूँ हमारी वेबसाइट पे रियल टाइम में ट्रैफिक कितना है। सो हम यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स ऐप में आ जाते हैं। सो ये देख सकते हो आप गूगल एनालिटिक्स ऐप के अंदर आ गए और इसको मैंने बकायदा आपके सामने रिफ्रेश कर दिया, एक बार और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है एंड देन अब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक देख सकते हो। राइट नाउ इन लास्ट 30 मिनट्स में ट्रैफिक देखेंगे 76 यूजर्स हैं एंड देन एक्टिव यूजर्स देखेंगे 82.1K हैं और न्यू यूजर्स हैं 74K। अब आप कहेंगे सर चलो ठीक है, इतने सारे यूजर्स हैं, अच्छी बात है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो अर्निंग तो होगी। अगर मैं यही यूजर्स अगर मैं कह दूं कि इनमें सबसे ज्यादा लाइक यूजर्स जो हैं वो यूएस के हैं, और अगर यूएस के यूजर्स सबसे ज्यादा हैं तो अर्निंग 4 गुना हो जाएगी गूगल एडसेंस से और एफिलिएट मार्केटिंग से भी। क्योंकि हमारे जो आपको भी पता होगा आपके जो प्रोडक्ट है बायोफिट है या कोई भी प्रोडक्ट है क्लिकबैंक का, डिजिस्टोर 24 का, वो कहाँ ज़्यादा सेल होता है। आप जब एड रन करते हो तो कौन सी लोकेशन टारगेट करते हो? यूएस की। तो देखो मैं आपको यहाँ पर अपना लाइक दिखाता हूँ कि हमारा ट्रैफिक कहाँ का सबसे ज़्यादा है। तो मैंने स्क्रॉल डाउन कर लिया है, अब आप यहाँ पर देखेंगे यूएस का ट्रैफिक है 38 लाइक आप देख सकते हैं 38,447 एंड देन इंडिया से है 6,904 एंड कनाडा से है 4487 एंड यूके से है 2734। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारी वेबसाइट में सबसे ज्यादा ट्रैफिक यूएस से है ना, और यूएस से है एंड देन यही रिजल्ट सबसे मेन है। अब बात करते हैं कि सर इतना ट्रैफिक आएगा कैसे आपकी वेबसाइट पे, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो अब देखो मैं बताता हूँ आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाना है। तो जैसा कि आपने देखा हमारी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक यूएस से है, तो हमारे क्लिकबैंक के प्रोडक्ट्स तो इजिली सेल होते ही है और इसके साथ साथ हमारी ब्लॉगिंग से भी अर्निंग होती है, बहुत अच्छी अर्निंग होती है। मैं कभी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कितनी अर्निंग होती है, बाकायदा सब कुछ बताऊंगा, बट अभी इस वीडियो में हम रिवील नहीं करेंगे। बट अभी आप लाइक आप भी अंदाजा सकते हैं कि कितनी अर्निंग होती होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल सर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस चैनल पर लाते रहते हैं। और एक बात और, अगर आपको हमसे लाइव क्लासेस में एफिलिएट मार्केटिंग प्लस ब्लॉगिंग इस टाइप से कोई भी लाइक लाइव क्लासेस के साथ लाइव इंटरेक्शन के साथ सीखना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लाइव क्लास की डिटेल आपको वहां प्रोवाइड कर देंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, पूरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको काम करना है। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस मैं गूगल पे आ गया हूँ। गूगल पे आने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाना है। ब्लॉगिंग वेबसाइट तो आप इजीली, बहुत सारी यूट्यूब पर भी वीडियोस हैं, हमने भी बनाई हुई हैं। आप हमारी ब्लॉगिंग प्लस एफिलिएट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, आप मेरे चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, क्लिक बैंक के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। तो वहाँ से वेबसाइट तो आप बना सकते हैं। अब वेबसाइट तो सभी बना लेते हैं, लाइक आप ब्लॉगर पर बना सकते हैं, फ्री वेबसाइट वर्डप्रेस पर बना सकते हैं, जिस पर भी आपको बनाना है हमने वर्डप्रेस पे सिखाया हुआ है। तो वेबसाइट तो सभी बना लेते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सर ट्रैफिक कैसे लाएं। विदाउट ट्रैफिक का तो काम चलेगा नहीं, विदाउट ट्रैफिक की तो अर्निंग भी नहीं होगी, क्लिकबैंक के प्रोडक्ट्स भी सेल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ट्रैफिक कैसे लाएं? तो सबसे पहले तो ट्रैफिक के लिए मैं आपको कुछ लाइक सीक्रेट्स बताता हूं, उन सीक्रेट्स को आपको फॉलो करना है। सबसे टिप नंबर 1 है, गूगल पे लाइव हम पूरा देखेंगे,
जितने भी क्लिक बैंक पर, अभी मैं क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग को लेके चल रहा हूं, तो जितने भी क्लिक बैंक पर नए प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आपको लिखना है, सारे प्रोडक्ट्स के, किसी भी प्रोडक्ट को नहीं छोड़ना है। जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू अपनी वेबसाइट पर लिखना है। अब कैसे पता चलेगा कौन से न्यू प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए मैं अभी आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, पूरा लाइव देखेंगे हम लोग, बट देख लो क्या बेनिफिट क्या होता है कि ये समझ लो। सबसे पहले देखो, न्यू प्रोडक्ट्स पर रहता है कंपटीशन कम, न्यू प्रोडक्ट्स पर कंपटीशन क्या रहता है, कम रहता है। और जैसे ही आप उस पर ब्लॉग लिखोगे आपके ब्लॉग रहेंगे टॉप पर, गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आपके ब्लॉग टॉप पर आएंगे, और जैसे जैसे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी आपके जो ब्लॉग्स रहेंगे टॉप पर आएंगे, तो लोग आपके ब्लॉग पर आना स्टार्ट करेंगे और वहां से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा परचेज होते हैं। कुछ दिनों पहले हमने अपनी लाइव क्लास में जब जावा वन एक प्रोडक्ट है क्लिक बैंक पर, बहुत अभी बहुत फिलहाल में बहुत अच्छा ट्रेंड कर गया, बहुत उसकी ग्रेविटी बहुत हाई हो गई है, हमने लाइव क्लास में बताया था कि न्यू प्रोडक्ट्स पे आपको ब्लॉग लिखने हैं सभी स्टूडेंट्स को। एंड देन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने न्यू प्रोडक्ट पे ब्लॉग लिखे और उनको रिजल्ट्स इतने फास्ट देखने को मिले कि सारे स्टूडेंट्स की अर्निंग होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स पे ब्लॉग लिखे और जैसे ही वो प्रोडक्ट ट्रेंड में गया, न्यू प्रोडक्ट था तुरंत ट्रेंड पे गया, एक वीक के अंदर ही ट्रेंड में पहुंच गया था वो, देन उनकी अर्निंग बहुत अच्छी हुई। आपको देखो करना क्या, प्रैक्टिकल देख लो एक बार तो समझ में आ जाएगा। गूगल पे आना, एक वेबसाइट होती है सीबी इंजन, आपको सिंपली मैं पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूं तो देख लो, cbengine.com पे आपको चले जाना है। सो गाइस, हम cbengine.com पे आ गए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में एक आपको मैं स्ट्रक्चर भी दूंगा कि कैसे आपको ब्लॉग लिखना है, वीडियो के लास्ट में एक स्ट्रक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो वेट करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, एक एक पॉइंट इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, न्यू प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे आ जाना, जैसे मैं न्यू प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी आ चुका हूँ, न्यू प्रोडक्ट्स पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ग्रेविटी किसी की 0 रहेगी, किसी की 4, किसी की 51, बहुत सारी ग्रेविटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। अब आपको सब प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे ये कोई प्रोडक्ट्स है, ठीक है, स्केच का कोई प्रोडक्ट्स है, सब प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिखना है, नॉर्मल आर्टिकल नहीं लिखना है, रिव्यू आर्टिकल, उस प्रोडक्ट का रिव्यू आपको देना। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर रिव्यू ब्लॉग कहाँ से मिलेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक दो आर्टिकल तो रिव्यू आपको वहां से मिल जाएंगे, तो कॉम्पिटिटर से ले सकते हो, अदरवाइज इनका एक एफिलिएट, इस प्रोडक्ट को आप क्लिक बैंक पर सर्च करोगे तो क्लिक बैंक पर इसका एक एफिलिएट सपोर्ट पेज आपको मिलेगा, वहां से भी आपको बहुत सारी डिटेल प्रोडक्ट की मिल जाएगी, तो आप रिव्यू आर्टिकल बना सकते हो। आप इनके एफिलिएट कॉन्टेक्ट आईडी पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखना है। तो सबसे पहले आपके सिलेक्ट कर लेना है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्लॉग लिखना है। मैं किसी आप अगर कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं, तो सर मैं तो एक कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ, एक नीश पे काम कर रहा हूँ, तो इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स पे कैसे ब्लॉग लिखूं। देखो, अगर आप रिव्यू वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस पे, ब्लॉगिंग पे, जहां पे भी, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना लें। जैसे हेल्थ की कैटेगरी में सिर्फ हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स के रिव्यूज डालें, आपने अर्न मनी ऑनलाइन या मेक मनी ऑनलाइन की कैटेगरी बनाई उसमें मेक मनी ऑनलाइन वाले रिव्यूज डालें, लव रिलेशनशिप वाली कैटेगरी बनाई उसमें रिलेशनशिप वाले प्रोडक्ट्स के रिव्यू डालें, डॉग ट्रेनिंग वाली कैटेगरी बनाई तो उसमें डॉग ट्रेनिंग वाले प्रोडक्ट्स के रिव्यू डालें। तो अपनी वेबसाइट में अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग पेज बना लें, उन पेजेस में एक टाइप के ब्लॉग डालें, उस कैटेगरी के ब्लॉग डालें। अब जैसे मैंने ये स्केच वाले इसका नेम कॉपी किया, मैंने गूगल पे इसको पेस्ट किया एंड देन मैंने यहाँ पे टाइप किया रिव्यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिव्यू टाइप किया। अब आपको इस टाइप से चेक करना है कॉम्पिटिशन, तो आप सिंपली इसमें ये लगा दें एंड देन एंटर प्रेस करें, ठीक है। सो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने कुछ रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, 12 रिजल्ट्स हैं, कितने रिजल्ट्स हैं, 12 रिजल्ट्स, ये देखो। तो इससे आपको क्या समझ में आया, कॉम्पिटिशन है लो। अगर आप ऑलरेडी लोगों ने लिख के डाल दिए, ये देखो किसी लोगों ने ऑलरेडी लिख के डाल दिए हैं ब्लॉग्स, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी डाल दिए, वीडियोस भी डाल दिए हैं, तो आप कब लिखेंगे, आप अभी लिखना स्टार्ट करें ब्लॉग और आज से ही लिखना स्टार्ट करें। अगर आपको इस वेबसाइट नहीं है blogger.com, सबने यूज नेम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो, blogger.com पे तो आप लिख सकते हैं ना फ्री में आर्टिकल, blogger.com पे लिखकर यहाँ पे डालना स्टार्ट करें अलग अलग प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स पर। बिलीव मी, यहां से अगर 10 लोग भी यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे आते हैं, मान लो ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है,
इस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू तो रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट का ओनर जब उसकी वेबसाइट बनाई है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो उसने ब्रांड वैल्यू भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में इसकी ब्रांड वैल्यू रहेगी। अब उस कंट्री से यार 10 लोग भी ये सर्च करके आते हैं, इस प्रोडक्ट का नेम और रिव्यू कीवर्ड के सर्च करके आते हैं, तो 10 टारगेटेड पीपल भी आते हैं, यानी कि वो सुपर टारगेटेड पीपल भी रहेंगे। देखो बहुत अच्छी लाइक एक टिप समझो, ये कोई कीवर्ड है ठीक है, इस पर ट्रैफिक बहुत कम है। बहुत सारे लोग बोले सर इस पर ट्रैफिक ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं केवल 10% भी इस कीवर्ड को सर्च करते हैं जिनको ये प्रोडक्ट परचेस करना है, 10%। तो अगर 10% अगर आपकी वेबसाइट टॉप पर आती है, टॉप 5 में आती है, तो 10 में से 5 लोग भी आपकी वेबसाइट के अंदर जाते हैं और उनको ये प्रोडक्ट परचेस करना है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे से ब्लॉग लिखा होगा तो वो आपकी लिंक से ही परचेस कर लेंगे। तो एफिलिएट सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है न्यू प्रोडक्ट से। जरूर आपकी ब्लॉगिंग से कम अर्निंग होगी, लेकिन एफिलिएट सेल से जल्दी अर्निंग होगी, क्योंकि जो टॉप लाइक टॉप टारगेटेड पीपल्स होते हैं वो लोग आपकी वेबसाइट्स पे आते हैं और इजिली परचेस करते हैं आपके आर्टिकल को पढ़ने के बाद। तो क्या करना है आप समझ गए होंगे, जितने भी न्यू ये है लाइक न्यू टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर सबको आप सबके ऊपर आपको लाइक ब्लॉग लिखना है। सबसे पहला काम ये है अलग अलग कैटेगरीज बना लेना, जैसे कोई कैटेगरी यहाँ पे कोई हेल्थ का प्रोडक्ट है तो उसको हेल्थ की कैटेगरी में डालना, कोई फैमिली से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसको फैमिली से रिलेटेड कैटेगरी में डालना। तो पहला काम ये है। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर रिव्यू आर्टिकल में हम क्या लिखेंगे, रिव्यू आर्टिकल में बताऊंगा आप क्या लिखेंगे, आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू लिखेंगे भी मैं बताऊंगा कैसे रिव्यू लिखना होता है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला काम आपको ये करना। दूसरा काम आपको क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट्स के बाद फिर आपको अपनी एक पर्टिकुलर क्लिक बैंक पर एक कैटेगरी सिलेक्ट करके रखना है, या डिजिस्टो 24 पर एक कैटेगरी सिलेक्ट करके रखना है कि मैं हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा। किससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट मैं प्रमोट करूंगा। तो अब आपने सारे न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्लॉग लिख लिए, अब नेक्स्ट टारगेट है हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं क्लिक बैंक पर, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं क्लिक बैंक पर सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आर्टिकल आपको लिखना है, यूनिक 100% यूनिक लिखना है, एंड उनमें फोटोज यूज करना है। प्रोडक्ट्स की फोटोज एफिलिएट सपोर्ट पेज पर मिल जाती हैं, उनमें फोटोज यूज करना है, वीडियोज यूज करना है, वीडियोज आप यूट्यूब से उठा के एम्बेड कर सकते हैं, फोटोज वीडियोज यूज करना उन प्रोडक्ट्स उन लाइक ब्लॉग्स में। अब आप कहेंगे सर हेल्थ कैटेगरी में हम गए क्लिक बैंक पर तो हमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो सर हम किस प्रोडक्ट पर आर्टिकल लिखें। देखो आपको लो ग्रेविटी से हाई ग्रेविटी की ओर बढ़ना है, आपको सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स पे लिखना है जिनकी ग्रेविटी कम है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस प्रोडक्ट की ग्रेविटी कम रहती है उस पर रहता है कॉम्पिटिशन लो, और अगर आप लो कंपटीशन पर अपना लाइक ब्लॉग लिखते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स पर, बिलीव मी यहां से जल्दी को मैं कहूंगा सर्चेस कम रहेंगी। मैं फिर से कह रहा हूं सर्चेस कम रहेंगी, लेकिन आपका ब्लॉग जल्दी रैंक कर जाएगा गूगल पे, क्या कर जाएगा, जल्दी रैंक कर जाएगा। और जब ऐसे आप मान लो आपने 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिख दिए, 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिख दिए और 100 में से 50 भी टॉप पर रैंक करते हो और उन पर केवल 10-10 सर्च वॉल्यूम है, कितना मिनिमम 0 में से मैं 10 ही मान के चल रहा हूँ, 10-10 सर्च वॉल्यूम है, तो मान के चलो अगर दिन में 100 लोग भी आपके रिव्यू कीवर्ड का यूज करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उनमें से 5-6 लोग परचेस करेंगे प्रोडक्ट्स को। 100 लोगों में से 5 लोग तो परचेस करेंगे ही, और 5 लोगों से आप कमीशन देख सकते हो, 20-30,000 रुपए आप पर डे सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हो यूजिंग ब्लॉगिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने सारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ब्लॉग लिखना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन कम है। हम सबसे पहले एज अ बिगनिंग कम कॉम्पिटिशन पे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अभी स्टार्टिंग में कम रहती है, 0 ही रहती है, 0 के आसपास रहती है, इसीलिए लो कॉम्पिटिशन पे जा रहे हैं। एंड देन जितने न्यू प्रोडक्ट्स हैं उस पर लिखने के बाद आपको अपनी कैटेगरी, अगर आपकी हेल्थ की कैटेगरी, आपकी मेक मनी ऑनलाइन की कैटेगरी, आपकी रिलेशनशिप की कैटेगरी, वेल्थ की कैटेगरी, जो भी है, मतलब उन कैटेगरी पर आपको रिव्यूज आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, उस कैटेगरी में लो टू हाई, लो ग्रेविटी टू हाई, एंड देन थर्ड। अब थर्ड में बहुत सारे लोग पूछते हैं, थर्ड ऑप्स क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन में इससे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाऊं तो सर कीवर्ड रिसर्च कहां से करूं। कमेंट बता देना कहां से करना है कीवर्ड रिसर्च। अरे भाई कीवर्ड रिसर्च के लिए कुछ नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट का नेम और उसके आगे रिव्यू,
इस कीवर्ड पर अपना ब्लॉग रैंक कराना है। जैसे एक प्रोडक्ट है कस्टम कीटो डाइट, तो आपका लाइक कीवर्ड क्या हो जाएगा, कस्टम कीटो डाइट रिव्यू। अब देखो कैसे ब्लॉग लिखना होता है वो समझो, मैं व्हाइट बोर्ड पे बताता हूं समझना। देखो ये आपकी वेबसाइट का एक पेज है कोई भी, ठीक है, इस पे आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, मान लो कोई 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट के कीवर्ड्स क्या रहेंगे, उन प्रोडक्ट्स का नेम और उसमें रिव्यू कीवर्ड। जैसे एक लाइक मैंने कीवर्ड ले लिया कस्टम कीटो डाइट रिव्यू, ये अपना कीवर्ड है, तो मेन कीवर्ड को मैंने डाल दिया H1 टैग में। H1 टैग मतलब होता है हेडिंग 1 टैग, ठीक है, तो मैंने डाल दिया कस्टम कीटो डाइट रिव्यू H1 टैग में, इसको डाल दिया, ठीक है। अब कस्टम कीटो डाइट रिव्यू के बाद अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको उससे रिलेटेड जैसे कस्टम कीटो डाइट रिव्यू आपको आपने किसमें डाल दिया, H1 में डाल दिया। अब देखो अब आपको H2 यूज करना है, तो H2 में भी आपका ये कीवर्ड होना चाहिए कस्टम कीटो डाइट रिव्यू, जल्दी से जल्दी रैंक कराना चाहते हो। अब आपको जो आपने H1 में जो कीवर्ड दिया कस्टम कीटो डाइट रिव्यू, उसको आप ऐसा अरेंज करने की कोशिश करो कि वो H2 टैग में भी आ जाए, H2 टैग में आ जाए, और H2 टैग के अंदर भी आपको कुछ कुछ लिखना है अंदर, ठीक है। नॉर्मल हेड H2 टैग मतलब होता है सब हेडिंग, तो सब हेडिंग का एक पॉइंट डालना कस्टम कीटो डाइट रिव्यू, एंड देन उसके अंदर भी कुछ कुछ पॉइंट लिखना है। जैसे देखो मैं सिंपल एक वर्डप्रेस ओपन करके आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाता है, एक पूरा प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। हम वर्डप्रेस पे आ गए, वर्डप्रेस पे आने के बाद सबसे पहले हम ऐड न्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली कस्टम कीटो डाइट रिव्यू, ठीक है, ये अपना H1 में आ गया, ठीक है। अब इसको अपन ने कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, तो सबसे पहले लाइन को आपको H2 में डाल देना है, ठीक है। अब इसको H2 मतलब हेडिंग 2 कर दिया। अब इसमें आपको कुछ आर्टिकल्स लिखना है, कस्टम कीटो डाइट भी यूज कर लेना कीवर्ड्स में, और इस टाइप से अच्छे से लिखना है। एंड देन जब आप अच्छे से लिख लोगे, देन फिर से आपको एक हेडिंग डालनी है जिसमें फिर से आप अच्छा सा हेडिंग लिखो, इस कस्टम कीटो डाइट सेफ, इस टाइप से आप लिखो, तो उसमें कस्टम कीटो डाइट आपका कीवर्ड होना चाहिए, कस्टम कीटो डाइट कुछ भी लिख सकते हो, इस कस्टम कीटो डाइट वैलिड, इस कस्टम कीटो डाइट बेस्ट फॉर हेल्थ, इस टाइप से आपने लिखा, और उसको आपको फिर से H2 में दे देना है। तो हेडिंग बनाओ उन सारी हेडिंग्स को H2 में दे देना, एंड देन फिर से आप उसके नीचे कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, एंड देन उनमें इमेजेस वगैरह आप यूज करते हुए आप लिखेंगे, देन आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपके प्रोडक्ट्स जो होंगे जल्दी रैंक कर जाएंगे। तो आज ही हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले आज हमने सीखा न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखना। आर्टिकल्स लिखने के लिए अगर आपको परेशानी आ रही है तो हम एक पूरी पर्टिकुलर वीडियोज आर्टिकल्स लिखने के ऊपर बना देंगे, कैसे आपको आर्टिकल्स लिखना है, तो कमेंट कर देना सर आर्टिकल्स लिखने के ऊपर भी एक वीडियो बना दो, देन हम आर्टिकल्स लिखने के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। न्यू प्रोडक्ट्स, सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखने हैं, रिव्यू कीवर्ड के ऊपर लिखने हैं। देन हमने यहाँ पे देखा कि जितने हेल्थ के प्रोडक्ट रहेंगे उसमें लो ग्रेविटी से हाई ग्रेविटी के ऊपर आपको लाइक ब्लॉग्स लिखना है। देन हमने यहाँ पे पढ़ा कि रिव्यू कीवर्ड का यूज H1, H2 में, H3 में करते हुए लिखना है। अब बहुत सारे लोगों को अगर ब्लॉग्स लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो बस कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे एक अच्छी वीडियो मतलब पूरा सीरीज की वीडियो बता दूं कि कैसे आपको ब्लॉग लिखना है। सो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमसे एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, लाइव क्लासेस में एफिलिएट मार्केटिंग प्लस ब्लॉगिंग सीखनी है, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।